आईपीएल 2021 में शुक्रवार यानी आज दो विकेट कीपर कप्तानों के बीच घमासान मुकाबला होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। बता दें कि दोनों ही टीमें सीजन का अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। इसमें चेन्नई को जहां अभी भी पहली जीत की तलाश है, वहीं पंजाब लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही टीमों को उनके पहले मुकाबले में गेंदबाजी को लेकर मुश्किल हुई थी। चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे थे। वहीं दूसरी ओर अगर पंजाब के पहले मैच की बात की जाए तो आपको बता दें कि पंजाब की टीम भी 200 से अधिक के स्कोर का जैसा बचाव कर पाएगी। ऐसे में बात की जाए चेन्नई सुपर किंग की तो आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग की टीम को लुंगी अगीदी और जेसन बैंड्रॉफ की सेवाओं के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों खिलाड़ी आइसोलेशन में होने की वजह से दूसरे यानी आज होने वाले मुकाबले में नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इन दोनों तेज गेंदबाजों के ना रहने से चेन्नई को तेज गेंदबाजी की कमी महसूस हो रही है। ऐसे में तेज गेंदबाजी में धोनी शायद कुछ बदलाव कर सके। बात की जाए चेन्नई की प्लेइंग 11 की तो कुछ इस तरीके से हो सकती है। पहले नंबर पर आ सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे पर फाफ डुप्लेसी, तीसरे पर सुरेश रैना, चौथे पर मोइन अली, पांचवें पर अंबती रायडू, छठे पर रविंद्र जडेजा, सातवें पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, आठवें पर ड्वेन ब्रावो, नौवें पर दीपक चहर, दसवें पर शार्दुल ठाकुर और ग्यारहवें पर आ सकते हैं सैफ कुरैन। देखना दिलचस्प होगा आज के मुकाबले में चेन्नई का कैसा प्रदर्शन रहता है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।